जिस शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार ने बिहार में सुधारने का दावा किया है उसी शिक्षा व्यवस्था की पोल आज हम खोलेंगे। जिस सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने से कतराते हैं बच्चे के अभिभावक उन्हें वहां भेजने में दस बार सोचते हैं उसके पीछे की वजह आज हम आपको एक बार फिर याद दिलवाते हैं बिहार में सरकारी स्कूल का ठेका नीतीश कुमार की सरकार ने ले रखा है वो दावा करते हैं कि पहले के मुताबिक आज स्कूल में शिक्षक भी बेहतर है और वहाँ क्लासेस की कमी भी नहीं है बच्चों को मिड डे मील भी दिया जाता है और पीने के लिए शुद्ध पानी भी मुहैया कराया जाता है ऐसे में ना जाने ये कौन सी व्यवस्था की बात सुशासन बाबू करते हैं क्योंकि आज जिस विद्यालय की बात हम करने जा रहे हैं वहाँ ना तो ढंग की क्लासेज है और ना ही शिक्षक और ना ही बच्चों के लिए पानी और शौचालय की कोई व्यवस्था है सिर्फ दो कमरे में पूरी स्कूल को चलाई जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश जी की निकम्मी सरकार का दावा कितना सच्चा है अब नमस्कार आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना कैमरा पर्सन हूं प्रकाश के साथ बिहार में सरकारी स्कूल में वैसे भी पढ़ाई कम और शराब के मामले ज्यादा निकल कर सामने आते हैं बड़े बड़े अधिकारी भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजते पता है क्यों क्योंकि उन्हें वहां की सच्चाई पता होती है कि, कि किस तरीके से बच्चों को वहां पढ़ाया जाता है और क्या कुछ व्यवस्था वहां उन्हें दी जाती है भले ही बच्चों को शौचालय जाने के लिए टॉयलेट बनाया जाए या नहीं लेकिन अगर बात शराब छुपाने की आती है तो उसके लिए सरकारी स्कूल में शौचालय बन ही जाते हैं खैर मेन मुद्दे पर आते हैं खबर बिहार के समस्तीपुर के दल सिंह स्कूल की है जहां बच्चों को पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता क्योंकि वहां हैंड पंप ही नहीं है यानी, यानी कि जिससे वो पानी पी सके ना ही नल है और ना ही कल की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही उन्हें शौचालय मिल पाता है जिस वजह से बच्चे हो या फिर स्कूल के शिक्षक सभी को टॉयलेट बाहर खुले में जाना पड़ता है जहाँ नीतीश कुमार की सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी तारीफों की पुल बांधते नहीं थकती तो वही दूसरी ओर दरसिंह सराय प्रखंड के बसरिया पंचायत के मुसर टोली में स्थित नव सृजित प्राथमिक विद्यालय में आज भी कई महत्वपूर्ण सुविधाओं की की कम की कमी देखने को मिलती है स्कूल स्कूल की व्यवस्था की अगर बात करें तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लासेस नहीं है पीने के लिए पानी नहीं है और टॉयलेट जाने के लिए शौचालय भी नहीं है और जब भी इस स्कूल को लेकर अधिकारियों से बात कही जाती है उनसे कंप्लेन किया जाता है जब भी इस स्कूल की व्यवस्था को करने की गुहार लगाई जाती है तो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं दिखावे के लिए स्कूल का निरीक्षण करते हैं और फिर आश्वासन देकर वहां से चले जाते हैं इस तो स्कूल में फिलहाल एक बच्चों का नाम दर्ज है उन्हें पढ़ाने के लिए पांच शिक्षक समेत तीन टोला सेवक भी नियुक्त किए गए हैं जिसमें चार महिला और एक पुरुष और अगर अब अग दिन में स्कूल के वक्त किसी को शौचालय जाना हो हो वो बच्चा हो या फिर शिक्षक तो उसे या तो गांव में किसी के घर जाना पड़ेगा या फिर आस पास के खेत का सहारा लेना पड़ता है या उससे भी अगर उसको परेशानी होती है तो उसको अपने घर जाना पड़ता है बात यही खत्म नहीं होती बल्कि स्कूल में एक भी हैंडपंप नहीं है जिस कारण मिड डे मील बनाने वाले रसोई को भी गांव से पानी लाकर खाना पकाना पड़ता है और बच्चे भी खाने के बाद गांव में एक में सैतीस बच्चे जो है वो एक साथ बैठ कर पढ़ाई करते हैं तो ऐसे में अब आप सोचेंगे की जब कमरा दो है तो फिर मिड डे मील कहाँ बनता होगा तो बता दें कि बच्चे बरामदे में पढ़ाई करते हैं और खाना उनके कक्षा में बनाई जाती है तो में आप सोच सकते हैं कि क्या हाल है सरकारी स्कूल का और इससे कैसे आगे बढ़ेगा तो e. कि जल्द ही इन सब मामलों को देखा जाएगा और व्यवस्था को ठीक किया जाएगा लेकिन वो दिन कब आएगा इसका इंतजार आपको भी रहेगा और शायद हमें भी रहेगा ताकि हम भी नीतीश सरकार की धज्जिया उड़ाते हुए कैमरे नजर नहीं आए बल्कि हम भी चाहते हैं कि कुमार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उसकी तारीफ करते हुए हम आपके सामने कैमरे पर हाजिर हो सके ऐसे में अगर इन सब मामलों को लेकर कुछ भी उस स्कूल में प्रबंध किए जाते हैं उस स्कूल की व्यवस्था अगर ठीक होती है तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे खैर हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे जनता जंक्शन धन्यवाद